ये है सुबह सुबह का मॉर्निंग का नज़ारा पेंगोंग लेक। आ 3D एट वाली फोटो लाई हुई है और उन्होंने वॉक करके ना सुबह सुबह यहाँ तो मज़ा ही आ गया, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठा था कि एक तो सनराइज। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है और इस टाइम मैं हूँ पेंगोंग लेक और टाइम हो रहा है सुबह के 4:57 हो रहे हैं 4:57। अब मैं दिखाता हूँ आसपास का नज़ारा, सब सोए पड़े हैं, कोई भी नहीं उठा अभी। और ये देखो भाई लेक, ये साइड लेक और वो माउंटेन्स क्लाउड्स और स्नो की हल्की जी कनियां जो हैं आ रही हैं। भाई लगता नहीं कि आज मैं सनराइज़ देखने के लिए उठा था कि मुझे सनराइज़ कैप्चर करना है, बट पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही सनराइज़ की कि मैं सनराइज़ आज देख पाऊँगा। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ बैक और अभी भी मेरे को वही एक बंदा दिख रहा है जो उठा था और ऊपर से स्नो पड़ रही है। तो थोड़ा सा आसपास का ये है नज़ारा लेक का। गाड़ी को स्टार्ट किया है, उसके बाद चलेंगे हम नीचे। भाई मौसम पूरा ख़राब हो गया, इतने चेक करो बादल हो रखे ना पूरे, मतलब स्नो वाला पूरा मामला। तो इस साइड देखो आए जी अपना पेंगोंग लेक ते, जे अज मौसम क्लियर होंदा ना तो जड़ा पूरा वाटर है वो पूरा ब्लू दिखना सीगा। आ 3D एट वाली फोटो लाई हुई है और उन्हों का समान असमान इत ही रह गया। ये है सुबह सुबह का मॉर्निंग का नज़ारा पेंगोंग लेक। हमें ना यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है वॉक करते हुए और सुबह सुबह ना बस मज़ा ही आ गया, पूछो मत। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मौसम क्लीन नहीं था, मौसम और क्लीन होता तो और भी डबल ही हो जाना था। सो गाइज आपने देखा कि आज हम लोग आए हुए हैं पेंगोंग लेक जो कि लद्दाख में है और ये इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स में से एक है और इसकी एलिवेशन है 4500 मीटर और ये जो लेक है वो 164 किलोमीटर लंबी है और जो कि 40% इंडिया के अंदर है और 60% चाइना के अंदर। और इस लेक की जो चौड़ाई है, जो एक बेसिक चौड़ाई है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, वो तकरीबन 8 किलोमीटर चौड़ाई है और उसके बाद में ये धीरे धीरे पीछे की तरफ छोटी होती जाती है। तो बस वॉक करके ना सुबह सुबह यहाँ तो मज़ा ही आ गया, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठा था कि एक तो सनराइज कैप्चर करना है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे वॉक करना है, फ्रेश एयर लेनी है।
तो इस साइड अभी भी देखो जो मौसम है कितना ख़राब है, कुछ दिख नहीं रहा। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे ना बादल क्लाउड्स जो है पानी लेके जा रहे हैं लेक में से, इस तरीके का कुछ सीन नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे ये एक छोटा सा गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है। और जो स्नो पीक्स हैं वो स्नो से कवर्ड हैं क्योंकि रात को स्नोफॉल हुआ है, तो कल मतलब पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू स्नोफॉल थोड़ा बहुत हो ही रहा है, तो उसकी वजह से जो पीक्स हैं माउंटेन पीक्स वो स्नो से कवर हो गई हैं। अब टाइम है, फ्रेश हो गए, नहा लिए, सारा कुछ हो गया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और सुबह मॉर्निंग में मैं लेक के किनारे जाके आया था तो भाई मज़ा ही आ गया था। फीलिंग जो थी सुबह ना, ओए होए होए लेक के किनारे पास, कि दस नहीं सकता फीलिंग। तो बाकी वेदर जड़ा है वो पेंगोंग च हले भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। सवेरे भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई सी, हूँ भी जस्ट 2 मिनट पहला तेज़ हो रही सी काफ़ी, तो हूँ देखो बहुत छोटी छोटी फ्लरीज गिर रही हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड है यार, पाजी जो है थोड़े लूज हैं ठंड करके, आज बॉडी लूज चल रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है अभी तक हमने देखी नहीं। हमारे वहाँ तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है जितनी ठंड यहाँ पर पड़ रही है। अभी भी स्नो गिर रही है हल्की हल्की, -2 या -3 बताई जा रही है कि ठंड है। नेटवर्क है नहीं, बहुत दिक्कत है। और प्लीज़ ठंड से कोई मजाक नहीं, आप आओगे तो मैंने तो मजाक किया, कैप भी नहीं ली ना ही इनर लिया नीचे का। प्लीज़ आओगे तो सब कुछ अरेंजमेंट करके आना, थैंक यू। आगे निकल गए और ये है यहाँ पे कैंप साइट जो सेकंड पॉइंट है। तो गाइस ये जो आप गांव देख रहे हैं ये है स्पंग में गांव जो कि पेंगोंग लेक के किनारे पे बसा हुआ है और बहुत ही प्यारा गांव है ये। और यहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएंगे। Thank you.
गाइस, सो फाइनली ये हमारा जो पेंगोंग लेक वाला जो टूर था वो हो गया है। और लेक जो है वो इतनी खूबसूरत है, जितना आगे जाते जाओगे उतनी लेक जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाती है। तो जो अपना पेंगोंग लेक वाला ब्लॉग है उसको करते हैं एंड, और यहाँ से एक नया ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे हानले के लिए, क्योंकि अब हम निकल यहाँ से हम निकल रहे हैं हानले के लिए। तो मिलेंगे आगे कहीं देख। तो जो पेंगोंग वाला ब्लॉग है वो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट और लाइक तो करना भूलिएगा मत।